सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इस न्यूज के बारे में या PhD के बारे में, तब से थोड़ी सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अब PhD ख़त्म है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UGC का डिसीजन है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखो PhD बेसिकली PhD का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, बहुत सारे लोग हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनने के लिए उनको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो PhD ही होना चाहिए। तो बिना PhD के आप टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो अब UGC ने ये कन्फर्म कर दिया, 2 साल पहले भी UGC ने ये बात क्लियर कर दी थी कोरोना काल में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन रूल तो यही था कि बिना PhD के आपका एंट्री नहीं है वहाँ पे UGC में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब UGC इसको मॉडिफाई करने के लिए और सोच रहा है और ऑब्वियसली बहुत ही जल्द UGC इसको मॉडिफाई कर देगा। और आप समझ लो 99% प्रोबेबिलिटी है कि अब PhD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर के लिए। अब UGC का प्लान इस पे क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या लेंगे, किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी करते हैं, UGC का इतना बड़ा डिसीजन क्या स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा, क्या PhD होल्डर्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लोग ला करके खड़ा करता है। और उस क्वेश्चन मार्क का जवाब UGC खुद देगा कि PhD की वैल्यू क्या ख़त्म हो रही है, क्या PhD करने के बाद अब स्कोप नहीं रहा, या PhD is not a valid reason for assistant professor in central university। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी और जल्द क्लियर होगी। जब इतना बड़ी बात है, PhD ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर PhD नहीं लिए गए ना, तो मैं बता दूँ, गारंटी के साथ मैं बोल दूँ कि PhD की वैल्यू ख़त्म ही ख़त्म है। अब प्लान ये हो रहा है, प्लान अब एक्शन क्या हो रहा है, UGC बनाने की कोशिश ये कर रहा है कि जो उन्होंने 2 साल में यूटिलाइज किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखना चाह रहे हैं। एक चीज़ और है, गैम्बलिंग है इसमें एक चीज़ तगड़ी की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम टीचर को रखेंगे, टेन्योर रखेंगे कि चलो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको 8 महीने, 10 महीने या 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, इस टाइप का कुछ प्रोसेस आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में कन्वर्ट होगी थोड़ा बहुत, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग PhD करने जा रहे हैं करो, आपका यूटिलाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर मास्टर कर दिया तो क्या PhD वाले नहीं बनेंगे, बनेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बनेंगे नहीं, लेकिन वो है कि PhD की वैल्यू वहाँ पे कहीं ना कहीं गिराई जा रही है। और इसमें अब देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है PhD का, और PhD चलता है आगे या फिर स्किल बेस पे, जैसे एजुकेशन अब क्या हो गया, स्किल फोकस हो गया। मैंने ऐसे ऐसे PhD होल्डर्स को देखा है कि मनरेगा में काम करते, ऐसे ऐसे PhD होल्डर्स को देखा है कि सफाई कर्मी के लिए, चपरासी के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, नथिंग। और देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन PhD की वैल्यू ख़त्म होना पक्का है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD जरूरी नहीं है। तो वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, करियर अड्डा टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।